छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम विज्ञान में दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, प्राणियों को पोषण, प्राणियों में या जंतुओं को पोषण। कल हमने पोषण के बारे में जो घटक थे उनके बारे में पढ़ा, उसकी विधियां, अंतर्ग्रहण आदि पढ़े। आज अपना जो टॉपिक आ रहा है वो है प्राणियों में पोषण तंत्र के भाग, पाचन तंत्र के भाग, प्राणियों में पाचन। अब इसमें मानव में पाचन आ रहा है, किसका है? मानव में पाचन, मानव में पाचन। तो हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुख गहिका से शुरू होती है। मुख गहिका है ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वैत्रांत और मलाशय, मलद्वार आदि से जो हमारे इसके पार्ट्स हैं। पहला है मुख गुहिका, मुख गुहिका। दूसरा ग्रसिका, ग्रसिका। तीसरा आमाशय, आमाशय। अगला आ रहा है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, वैत्रांत, वृद्रांत और मलद्वार मलाशय। छठा मलाशय, ये पांच, ये हमारे पाचन के प्रमुख पार्ट हैं। जो भोजन करते हैं वो कहाँ से ग्रहण होता है और हमारे शरीर में उसकी क्या क्रियाविधि होती है, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका क्या होता है, कैसे से बाहर पहुंचता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो है पाचन तंत्र में। क्या है वो? पाचन तंत्र बोले इसको, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। और ये पाचन तंत्र के भाग है, जिसे तंत्र में कौन कौन से अंग है, ये मुखगुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, वृद्रांत, मलाशय, ये सब इसके पार्ट हैं पाचन तंत्र के। अब इसमें सबसे पहले अपना पहला पार्ट है वो है मुखगुहिका। कौन सा है? मुखगुहिका, मुखगुहिका। ये मानव में जो अंत भोजन का अंतर ग्रहण होता है वो मुखगुहिका के माध्यम से होता है। हम जो सबसे पहले भोजन लेते हैं तो मुख द्वारा मुंह में लेकर के उसको चबाते हैं। चबाने का कार्य कौन करते हैं? दांत करते हैं। चबाने का कार्य कौन करते हैं? दांत करते हैं। चबाने का कार्य दांत करते हैं। और ये दांत अपनी पाठ्यपुस्तक में तीन प्रकार के दिए गए। कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के दांत हैं। तीन प्रकार के दांत, पहला कर्तन दंशन वाले, कर्तन और दंशन, दंशन वाले। दूसरे प्रकार के हैं भोजन को चीरने फाड़ने वाले, भोजन को चीरने फाड़ने वाले, चीरने फाड़ने वाले। और तीसरे प्रकार के हैं चबाने वाले, भोजन को चबाने वाले, भोजन को चबाने वाले। चबाते भी हैं और पीसते भी हैं, दोनों काम करते हैं, चबाने वाले और पीसने वाले। यो अब हमारे शरीर में अलग अलग है। हमारे दो जबड़े इस कार्य के लिए कौन उपयोग है? दो जबड़े, ऊपरी जबड़ा और नीचे का जबड़ा, दो जबड़े हैं। इनमें पहले जो प्रकार के दांत हैं उनकी संख्या दी गई है हमारे पुस्तक में आठ, कुल आठ है। ये दो जबड़े, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा प्लस निचला जबड़ा, दो जबड़े हैं हमारे, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा।
पांच होते हैं, ये क्या है? तो पहले में काटने वाले ऊपरी जबड़े में निचले जबड़े में दोनों मिलाकर के चार प्लस चार, चार ऊपरी जबड़े में चार निचले जबड़े में कितने हो गए? आठ दांत हो गए। दूसरे प्रकार के चीरने फाड़ने वाले दांत, ये ऊपरी जबड़े में दो और निचले जबड़े में भी दो होते हैं, ऊपरी जबड़े में दो और निचले जबड़े में दो, यानी कि दो प्लस दो बराबर चार, कुल कितने हो गए? चार हो गए। ऊपरी जबड़े में दो है और निचले जबड़े में भी दो है, ये भोजन को चीरने का और फाड़ने का कार्य करते हैं। अगले प्रकार के दांत है तीसरे प्रकार के, भोजन को चबाने और पीसने वाले, इन दांतों की संख्या सबसे अधिक है। कितने हैं दांत? 20 होते हैं कुल संख्या में, ऊपरी जबड़े में 10 और निचले जबड़े में भी 10, कुल मिलाकर के 20। जो हम भोजन मुंह में लेते हैं उसको पीसने का और चबाने का जो कार्य करता है ये कर्तनक दांत है, ये कार्य करते हैं और भोजन को एक लुगदी का रूप बना देते हैं। भोजन का लुगदी का रूप बनने के पश्चात वह आसानी से हमारी कृषि काम में नीचे चला जाता है, भोजन को निगलने में सुविधा होती है, मोटे मोटे जो भोजन के अंडकण हो सकता है निगलने में दिक्कत आए, इसके लिए दांत कार्य करते हैं, भोजन को बहुत महीन पीस देते हैं और एक लुगदी रूप बनाते हैं। इसका लुगदी रूप बनाने के लिए हमारे जीव में एक रस उत्पन्न होता है जिसका नाम है लाला रस, क्या नाम उसका? लाला रस। जीव दांत के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वह जीव, जीव में एक रस उत्पन्न होता है रस, इस रस का नाम है लाला रस, लाला रस। ये हमारे भोजन को गीला और चिपचिपा लुगदी नुमा बना देते हैं। आप एक बिस्कुट खाते हैं, जब आप भोजन बिस्कुट को मुंह में लेते हैं उस समय आपका बिस्कुट एकदम सूखा होता है, लेकिन मुंह में जाने के पश्चात जैसे आप चबाते हैं कुछ समय पश्चात आप देखते हैं या उसको बाहर थूकते हैं तो कैसा निकलता है? क्या सूखा ही निकलता है? नहीं, वह गीला हो जाता है। ये जो गीला होने का कारण है वह है भोजन नहीं, आपकी जो जीव है, जीव में से एक रस उत्पन्न होता है लाला रस, उस भोजन को लुगदी नुमा बनाता है। हम गीला भोजन नहीं खाएं तो भी जो सूखा भोजन लेते हैं उसको कैसा कर देती है? लाला रस उत्पन्न कर देती है। और ये लाला रस के कारण भोजन कैसा होता है? लसलसा लसलसा और चिकना हो जाता है, चिकना गीला हो जाता है और इसे वह लुगदी नुमा बन जाता है, लुगदी नुमा, लुगदी नुमा। और ये भोजन कार्य करने के बाद में कृषि काम में पहुंचता है, आप होता है ये कृषि काम में पहुंचता है, निगलने मुंह द्वारा यहाँ से गले से नीचे जो पार्ट होता है मुक्का होता है कृषि का, तो यहाँ से भोजन लुगदी नुमा बन करके आसानी से हमारे कृषि काम में पहुंच जाता है, जो जो पाचन तंत्र का दूसरा पार्ट आ रहा है कृषि का। उससे पहले दांत के बारे में देखते हैं कि हमारे जो दांत हैं दो प्रकार के होते हैं, एक दांत होते हैं जो हमारे जन्म के और पाँच लग छः महीने बाद उत्पन्न होते हैं और ये करीब आठ वर्ष की अवस्था में टूट जाते हैं सभी दांत, कि जब जैसे आठ वर्ष की उम्र होती है हमारी ये सारे दांत टूट करके गिर जाते हैं, उसके स्थान पर दूसरे प्रकार के दांत आते हैं, दूसरे दांत आते हैं। तो ये पहले अस्थायी दांत है जो दूसरे दांत आते हैं, आठ वर्ष की उम्र के पश्चात वो स्थायी दांत होते हैं। पहले दांत बचपन के दांत होते हैं, बचपन के जन्म के समय जो होते हैं वो है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। ये दांत हमारे मुख से टूट जाते हैं और उसके पश्चात नए दांत निकलते हैं, वो दांत वृद्धावस्था तक हमारे रहते हैं। कब तक रहते हैं? वृद्धावस्था तक। दूसरे प्रकार के दांत वृद्धावस्था तक रहते हैं और इस प्रकार के जो दांत हैं वो होते हैं स्थायी दांत, पहचान करती है स्थायी दांत कहलाते हैं। ये तो बचपन में गिर जाते हैं, दूध के दांत बोलते हैं दूध के दांत, और दूध के दांत के पश्चात जो दूसरे दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं,
ये 8 वर्ष की अवस्था से शुरू होने लगते हैं, और जो लास्ट की जाड़े होती हैं ये तीसरे प्रकार के होता है, जो 20 होते हैं दांत, 10 ऊपरे जबड़े में और 10 निचले जबड़े में। इनमें से कुछ जाड़े हमारी 18-20 वर्ष की उम्र तक भी निकलती रहती है, इनकी संख्या ज़्यादा है ना। तो ये जो जाड़ हैं पीछे के चबाने वाले जाड़ हैं, ये 20 वर्ष की अवस्था तक भी इनका निकलने का कार्य होता रहता है। हमारे ये दांत हो गए स्थायी दांत और वृद्धावस्था के दांत, दूसरा बचपन के अस्थायी दांत जो 8 वर्ष की उम्र में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा जो पहला पार्ट था मुख भुई का ये हो गया। अब जीभ में, ये जो जीभ में लाला होता है इसमें स्वाद कलिकाएं भी होती हैं। जीभ पर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। हम देखते हैं हमारी जीभ मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, इन सब प्रकार के जो गुण हैं उनको, भोजन के स्वाद है उनको चखने का कार्य करती है। इसके लिए हमारी जीभ पर अलग अलग स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमारी जीभ की संरचना इस प्रकार की होती है कि उसकी जो पाठ इस प्रकार, ये हमारी जीभ की संरचना है। ये पीछे की साइड में जो मुख भुई का होती है उसके साइड से जुड़ी होती है, आगे का भाग स्वतंत्र है। इसमें अलग अलग पार्ट में ज्ञान अलग प्रकार का टेस्ट होता है, ज्ञान अलग प्रकार का टेस्ट का ज्ञान होता है, और यहाँ पर अलग प्रकार के टेस्ट का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हमारी पर कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ पर क्या पाई जाती हैं? कलिकाएं। ये कलिकाएं भोजन में स्वाद का कार्य करती हैं। स्वाद कलिकाएं बोलते हैं इनको, स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ये जीभ और जीभ होती हैं स्वाद कलिकाएं, जिसके कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है कि भोजन कैसा है, खट्टा है, मीठा है, खारा है, चरपरा है, कड़वा है। इन सब का जो ज्ञान करती हैं वो सब चीज़ होती है ये स्वाद कलिकाएं। यदि प्रश्न भी बना स्वाद कलिकाएं नहीं हो तो क्या होगा, यदि स्वाद कलिकाएं हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं नहीं हो तो हमें भोजन के स्वाद का पता नहीं चलेगा कि भोजन किस प्रकार कैसा है। इस प्रकार कई बार हमें सूंघने पर भी जुकाम आदि हो जाता है तो हमें गंध का पता नहीं लगता कैसी गंध है। इस प्रकार उसके जब जुकाम लग जाता है तो हमें गंध का पता लगता है, ऐसे ही यदि जीभ पर स्वाद कलिकाएं नहीं हो तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि जीभ स्वाद कैसा है। छात्रों अपना ये टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया, प्राणी पोषण का मुख भुई का वाला। कल हम दृश्यिका के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।